Okay, this is the diagram of nares. You can just see the whole body इसमें क्या है segmented दिख रही है. अब इसमें mouth में आपको क्या दिख रहा है, you can just see पूरी शरीर दिख रहा है metamerically segmented. But the difference यहाँ पर previous मैंने आपको plantar helminths में पढ़ाया था और nearis में या nares में देखा था कि दोनों में क्या difference है कि वहाँ पर जो था the segments were totally different in shape. ओके डिफरेंट साइजेस के थे, दैट इज नेक में थे वेरी स्मॉल सेगमेंट्स वी हैड सीन, देन फिर पोस्टीरियर एंड में जो था दैट इज बिग सेगमेंट्स वर देयर. ओके मतलब जैसे ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स जिन्हें उनको क्या कहा था, जब ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स तो ग्रेविट प्रोग्लॉटिड्स क्या रहते हैं बड़े, बट जब इसके अंदर जो रहते हैं यू कैन जस्ट सी यूनिफॉर्मली पूरा बॉडी जो है सेगमेंटेड है एंड ईच इज बेरिंग व्हाट. तो माउथ हो गया, माउथ पे यू कैन जस्ट सी टेंटिकल्स, आईज, अ पेयर ऑफ आईज, टेंटिकल, फिर सिराए रहती है, देन वी जस्ट सी द माउथ पोर्शन पेरिस्टोमियम और वो सराउंडेड द्वारा किसके द्वारा रहते दैट इज पेरिस्टोमियम एंड देन फुल बॉडी पे क्या रहेगा पैरापोडिया आर प्रेजेंट एनल सिराए आपको नेक्स्ट यू कैन जस्ट सी द टेल पर टेंटिकुलर स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं हम एनल सिराए. नाउ व्हाट अबाउट द सैलियंट फीचर्स. अब सैलियंट फीचर्स क्या रहते हैं इसके कि जो बॉडी रहती है लंबी रहती है वर्म लाइक एंड स्लाइटली डॉर्सोवेंट्रली क्या रहेगी कंप्रेस रहेगी और ये मेजर किससे करती है कितना मेजर करती है 10 to 45 सेंटीमीटर इन लेंथ इसकी रहती है लंबाई और 0.3 सेंटीमीटर to 0.2 सेंटीमीटर इन विड्थ. तो लेंथ कितना रह गया वी आर जस्ट सीइंग हाउ मच इज द लेंथ 10 to 45 सेंटीमीटर लेंथ में रहेगी और विड्थ अगर हम देखेंगे तो 0.3 से 2 सेंटीमीटर इन विड्थ. बॉडी कलर जो रहता है इसका कैसा रहता है लाइट ग्रीन या ब्लू या विद विविड पर्पल रेड एंड ऑरेंज कलर स्पॉट्स इस टाइप का इसका शरीर का कलरेशन रहेगा. ओके देन इवन वी कैन जस्ट सी कि अगेन जैसा भी मैंने डायग्राम में ही आपको बता दिया था कि बॉडी जो इसकी डिविजिबल है हेड में ट्रंक में एंड जो ट्रंक है इट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस मेटामियर्स. मेटामियर्स एज आई टोल्ड यू कि पूरी बॉडी जो है सेगमेंटेड है एंड ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर्स. ओके तो फुली बॉडी वी कैन जस्ट से द होल बॉडी इज सेगमेंटेड. लास्ट एनल सेगमेंट का जिसे वी कैन जस्ट कॉल इज पाइजीडियम. ओके तो लास्ट सेगमेंट इज द पाइजीडियम एंड इट इज बेरिंग अ पेयर ऑफ एनल सिराए. कमिंग बैक टू द हेड, हेड में हम क्या देखते हैं कि एंटीरियर मोस्ट हेड जो रहेगा इसका द एंटीरियर मोस्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं हेड वो क्या कंपोज करता है दो सेगमेंट्स के और एज आई टोल्ड यू कि पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम. तो पेरिस्टोमियम जो रहता है ये कंसिडर करता है फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं एंड सिंस इट इज द बेस अ माउथ इज प्रेजेंट. द प्रोस्टोमियम जो रहता है ये क्या करता है इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्री सेगमेंटल रीजन ऑफ द बॉडी. नाउ कमिंग नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज द ट्रंक. तो ट्रंक कैसा रहता है कि बिहाइंड द हेड जो है लॉन्ग सेगमेंटेड पार्ट रहता है इसका बॉडी का इसे हम क्या कहते हैं ट्रंक. ट्रंक के अंदर कितने रहते हैं कितना अबाउट 80 to 200 सिमिलर एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ओनली कि जो मेटामियर्स हैं वो इक्वल सेगमेंटेशन दैट इज इक्वली लेंथ पे उनके सेगमेंट्स रहेंगे. ऐसा नहीं है इवन वी कैन जस्ट टेक द एग्जाम्पल इवन अर्थवर्म का तो अर्थवर्म में भी जो सेगमेंट्स हैं इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे एंड पूरा शरीर जो रहेगा सेगमेंटेड रहेगा. तो सेम वे इवन नीरीज में वी वुड सी कि इसमें जो है 80 to 200 सिमिलर सेगमेंट्स रहते हैं और इन सेगमेंट्स को हम मेटामियर्स भी बोल सकते हैं. और अर्थवर्म में कितना रहता है अगेन आई एम रिपीटिंग सो दैट आप लोगों को रिमेंबर करो आपके कितने सेगमेंट्स रहते हैं उसमें 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं या 120 मेटामियर्स प्रेजेंट रहते हैं. अब ईच मेटामियर पे क्या रहता है पेयर ऑफ लैटरल लोकोमोटरी जो रहेंगे सीट तो इनको क्या कहते हैं हम पैरापोडिया. तो लोकोमोशन के लिए जो प्रेजेंट रहता है इसके हर पैर पे मैंने बताया थ्रू आउट लेंथ अभी डायग्राम में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हर सेगमेंट पे एक पैर ऑफ पैरापोडिया प्रेजेंट रहते हैं और ये सीटें जो वेयर करते हैं पैरापोडिया और पैरापोडिया मीन्स एक्स्ट्रा फुट. तो ये क्या रहेंगे एक्चुअली ये शरीर की ही आउटग्रोथ रहती है इसलिए इनको हम क्या कहा जाता है पैरापोडिया बोलते हैं. एडिशनल आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी मतलब स्किन से ही आप देखेंगे कि अटैच रहेंगे
और डिटेल डायग्राम तो आपको देखना है पैरापोडिया का। तो पैरापोडिया जो रहते हैं ये क्या रहेंगे, एंटीरियर पोस्टरली फ्लैटेंड रहेंगे, मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड पे जो रहेंगे ये चपटे रहते हैं और पैडल जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं। ये पैडल जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं और ये कहाँ एक्सटेंड करते हैं, ट्रंक से सेगमेंट, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि लैटरल आउटग्रोथ्स रहते हैं। अब पैडल जैसे स्ट्रक्चर क्यों रहते हैं, हर उसमें साइंस में उसका रीजन रहता भी है नाउ व्हाई कि पैडल जैसे स्ट्रक्चर बिल्कुल इसलिए रहते हैं बिकॉज ये पैडल जैसे स्ट्रक्चर इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि ये क्या रहेंगे, नॉक्टर्नल तो रहते ही हैं वॉट एवर, बट सिंस मेराइन है और ये बाहर निकलते हैं तो ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए प्रेडेशियस हैं, मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं फूड के लिए। एंड जब फूड के लिए निर्भर करते हैं ऑब्वियस अपने फूड को लेने के लिए क्या करेंगे, ये स्विम करके अपने फूड के प्राप्त करने के लिए जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दिस पैरापोडिया दे आर जस्ट वी कैन जस्ट से के लैटरल आउटग्रोथ व्हिच इज हेल्पिंग देम टू अक्वायर द फूड। नाउ डिस्टल फ्री एंड जो रहता है एक पैरापोडियम का, ये कैसा रहेगा, बाइफर्केटेड। अब बाइफर्केटेड अगर हम, ये जो मैं आपको क्या बता रही हूँ, स्ट्रक्चर बता रही हूँ पैरापोडियम का, ये डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा कि ये बाइफर्केटेड रहेगा किसमें, डॉर्सल और वेंट्रल लोब में। तो डॉर्सल लोब क्या कहलाएगी इसकी, नोटोपोडियम, और वेंट्रल लोब जो इसकी कहलाती है न्यूरोपोडियम। तो नोटोपोडियम जो रहेगी रिलेटिवली लार्ज रहती है किसके, इन कंपैरिजन टू दी न्यूरोपोडियम से। और जो दो लोब्स रहते हैं ये क्या रहेंगे, बाइफर्केटेड रहते हैं। नाउ तो ये किसमें बाइफर्केटेड रहते हैं, इन टू टू सब लोब्स में। अब एक मस्कुलर सिलिंड्रिकल प्रोसेस रहता है, तो जो डॉर्सल सीरस जो इसकी रहती है प्रेजेंट रहती है मिडल ऑफ द डॉर्सल एज ऑफ द नोटोपोडियम। सिमिलरली वेंट्रल सीरस जो प्रेजेंट रहता है वेंट्रल एज ऑफ द न्यूरो में। नाउ कमिंग टू द एनल सेगमेंट और पाइजीडियम जिसे हम कहते हैं, तो जिसे मैंने अभी आपको बताया कि पोस्टीरियर मोस्ट लास्ट एंड स्मॉलेस्ट सेगमेंट, मतलब जो सबसे लास्ट वाला सेगमेंट रहता है वो और सबसे छोटा रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनल सेगमेंट और पाइजीडियम। ये क्या लैक करता है, ये लैक करता है पैरापोडिया को। बट ये ध्यान रखना कि पूरा, अभी आपने डायग्राम में देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि पूरे शरीर पर तो पैरापोडिया है बट लास्ट वाला सेगमेंट उसमें जिसे हम कहते हैं पाइजीडियम, इसमें पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं, मगर उसके स्थान पर एक एनल सिराब प्रेजेंट रहती है। तो ये जो एनल सिराब बिसाइड द एनस पे जो पोस्टीरियर टिप में बेयर कर रही है टेंटिकल लाइक रिसेप्टर्स जिसे कहते हैं एनल सिराब, और एनल सेगमेंट क्या बेयर करता है, लार्ज नंबर ऑफ सेंसरी पैपिले भी रहते हैं, यहाँ पर सेंसरी पैपिले रहते हैं। और ये एनल सेगमेंट जो रहता है ये क्या कंसिडर करता है, इट इज कंसिडर एज द पोस्ट सेगमेंटल रीजन ऑफ द बॉडी, तो जिसे हम क्या कहते हैं पाइजीडियम। नाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में अगर हम करते हैं इसके बारे में, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो रहते हैं इसके नेफ्रिडिया कहलाते हैं। एंड जस्ट आई टोल्ड यू प्रीवियसली, अभी हमने देखा था उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड द फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स मैंने अभी आपको बताया था, फ्लेम सेल्स किस में पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लैटिहेलमिंथस। तो यहाँ के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, नेफ्रिडिया है। तो जस्ट सी द डिफरेंस, हर उसमें मैं बताई जा रही हूँ कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से क्या है। इसके अंदर एफिशिएंट ब्लड वास्कुलर सिस्टम रहता है विद ब्लड जो कॉन्फाइंड रहती है क्लोज वेसल में। सेक्शुअल फेज ऑफ, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि इसकी सेक्शुअल फेज क्या कहलाती है, नीरिस के, इट इज नोन एज द हेटरोनीरिस। नाउ हेटरोनीरिस जो रहती है ये भी डिफ्रेंशिएटेड इनटू एंटीरियर ए सेक्शुअल एटोप और पोस्टीरियर सेक्शुअल एपिटोप, आप देखेंगे इसका। तो जब मैं आपको इसका डायग्रामेटिकली फर्दर डिटेल अभी नहीं फर्दर उसमें हम देखेंगे, दो उसमें पार्ट्स रहते हैं एटोक एंड एपिटोप, और इसके अंदर क्या कंटेन करता है, गेमिट्स। गेमिट्स क्या जानते क्या रहता है, ओवर एंड स्पर्म्स बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो रहेगा इसका इंटरनल एक्सटर्नल रहेगा, एंड जाइगोट डेवलप होता है जिसमें प्रोकोफोर लार्वा बनता है। तो हियर वी कंप्लीट विद दिस, एंड इसका आई एम गिविंग द असाइनमेंट, just complete that assignment at the end, okay? So next we'll see with the next phylum.